أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج جو ہے ٹاٹ شروع کروں گا، جسے کہا جائے ہندی میں کہا جاتا ہے اپکرت، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ اپکرت جو ہے ایک ایسا ودھی ہے جو ٹاٹ لائبلٹی ہے، یہ لمیٹیشن میں پرواز 2M میں ہے، اس چیز کو بتایا گیا ہے۔ اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے اس چیز کو ضرور غور کریے گا۔ اب شروع کرتا ہوں پرچے، جو انٹروڈکشن ہے اس میں کہا گیا ہے یو بی جس ای بی ریمیڈیم، جہاں ادھیکار ہے وہاں اپچار ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ جہاں ادھیکار ہے وہاں اپچار ہے، صحیح بات ہے۔ مطلب جہاں ادھیکار رائٹ ہے تو میرا رائٹ کا اپچار تو ضروری رہے گا۔ شوتر کو ہے، کیونکہ پرارمبھ میں کام اللہ کا یہ نیم تھا، یو بی ریمیڈیز ای بی جس، جہاں اپچار ہے وہاں ادھیکار ہے۔ اس صورت کا ارتھ ہے جہاں پر ادھیکار ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے بھنگ ہونے پر اس کے لیے اپائے ہے، یہ بھی اچت ہے بھی، کیونکہ ادھیکاروں کی مانگ ہونے کی دشا یدھ ہمارے پاس اپائے نہ ہو تو ادھیکار کا مہت ہی کیوں رہے گا۔ اپائے کا مہت تبھی ہوگا جب ادھیکار کی رکشا کر سکے، اور ادھیکار تبھی استھر رہ سکتا ہے جب اس کا اپیوگ کرنے کی سویدھا ہو، تتھا ادھیکار بھنگ ہونے کی دشا میں دوستی کو विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। सही सी बात है, जो कि जहां अधिकार उपचार का महत्व है उसमें उपाय की बहुत ही ज़रूरी है। अधिकार के हमारे अधिकारों की रक्षा अधिकतर स्थित तभी स्थित रहेगी जब उसका उपयोग किया जाए। और जो हमारी सुविधा के, अगर हमारी सुविधा का संतुलन का भार का अगर वो भंग करता है, अगर वो दोषी से अगर वो दोष भंग करेगा, उसका प्रतिकार हमें मिलेगा, वही हमारा उपचार है। इस सूत्र का प्रयोग जब अपकृत के संबंध में किया जाता है, तो वहाँ अधिकारों के उपचारों की ओर संकेत होता है और जो विधि द्वारा प्रदत्त होते हैं। अपकृत पूर्ण दायित्व तभी उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति को संरक्षण के लिए विधि उपचार प्रदान करती है। नैतिक अधिकारों के अतिक्रमण के संबंध में इस सूत्र का कोई महत्व नहीं है। जहाँ विधि का अधिकार नहीं है वहाँ व्यक्ति विधिक क्षत भी नहीं कर सकता है और विधिक उपचार का सुरक्षा नहीं मिलती है। जहाँ किसी व्यक्ति को भी जो विधिक अधिकार ही नहीं है वहाँ पर विधिक क्षत भी नहीं होती है और विधिक उपचार की सुरक्षा नहीं मिलती है। अब आकर देखते हैं जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार के नामक सिद्धांत पद सर्वप्रथम एस बी बनाम वाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये क्या नाम है, केस लॉ है। जो केस लॉ के मुताबिक जो है हम जानते हैं कि केस लॉ में बताया गया है कि क्या इसका वास्तविक क्या हान होता है। ये मामले में क्या गया, इस मामले में न्यायाधीश कौन थे, होर्ट महोदय ने कहा था यदि वादी के पास अधिकार है तो यह आवश्यक है उसकी उसे लागू करने के बाद तथा बनाए रखने कोई समाधान हो तो उससे अधिकार का उपयोग और प्रयोग में क्षत पहुँचाई जाती है, तो उसके लिए उपचार होना चाहिए तथा कल्पना बहुत ही निरर्थक है, बिना उपचार का कोई अधिकार हो सकता है। अतः ये इस सिद्धांत का भी अनुसरण करता है कि दावा तथ्य का नया होना कोई प्रतिवादी नहीं है। दूसरे शब्दों में यदि वादी को क्षत कारित किया जाता है तो पूर्व दृष्टांत के अभाव में कामन लाभ प्रकृत नियम के लोक कल्याण के अनुसार निर्णय देगा। कनिष्ठ टाइम बनाम एम्पेरियल लंदन होटल लिमिटेड 1944 के मामले में आधारित किया गया कि सूक्त तथा विधिक अधिकार की मान्यता के परिणामस्वरूप वैदिक उपचार के प्रत्याभूत करता है। जहां विधिक अधिकार है वहां उपचार भी होगा, इसके विपरीत जहां अधिकार नहीं है वहां उपचार भी नहीं होगा। अवैध की वो कि नैतिक रूप से अधिकार के रूप में स्वीकार हो सकता है। भारत स्थित में इस सूक्त का प्रयोग न्याय सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 32 या 226 में मूल अधिकारों को उल्लंघन की दशा में उपचार की व्यवस्था किया गया। समान अधिकार के संदर्भ में अनुच्छेद 372 के कारण ये सूक्त लागू होती है। अपकृत का अर्थ है, अपकृत शब्द टॉट्स है। टॉट शब्द का हिंदी रूपांतर जिसे लैटिन भाषा में टॉटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है तोड़ना मोड़ना अर्थात टेढ़े मेढ़े आचरण। इसके अंतर्गत ऐसे आचरण आते हैं जो सरल सीधे अर्थात विधिपूर्ण होकर तोड़े मोड़े
गए हैं, वक्र या विधि विरुद्ध है। दूसरे शब्दों में सभी आचरण जो दूसरे विधिक अधिकारों में हस्तक्षेप करते हैं वो कानून में आपकृत माने जाते हैं। टॉट टांग शब्द का पर्यायवाची है, अतः वो कार्य जिन्हें कानून दोषपूर्ण गलत या अपकार मानता है उसे आपकृत कहा जाता है। विधि की इस शाखा में विभिन्न आपकृत या दोषपूर्ण कार्य सम्मिलित है। किसी व्यक्ति की ख्यात को काम करना, मानहान, हमला, संप्रहार, छल, उपेक्षा आपकृत के उदाहरण हैं। क्या है इसका? किसी व्यक्ति की ख्यात को कम करना जिसे कहते हैं मानहान, हमला, संप्रहार, छल, उपेक्षा आपकृत के उदाहरण हैं। इन आपकारी कृत से किसी भी व्यक्ति के निहित कुछ विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है। जब कोई व्यक्ति विधि द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों की अवहेलना करता है, दूसरे व्यक्ति में निहित अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो विधिक कर्तव्य अपालन में कई प्रकार के विधि विरुद्ध अर्थात दोषपूर्ण कार्य उत्पन्न होता है, जिन्हें मुख्यतः दो श्रेणी में बांटा गया है, आपराधिक अपकार, सिविल अपकार। अपकृत के सिविल विधि की कोर्ट में आता है। आपराधिक अपकार में अपराधकर्ता को दंड दिया जाता है, जबकि सिविल अपकार में प्रतिवादी को वादी की क्षति के लिए प्रतिकार का भुगतान करने को कहा जाता है। अपकृत के अतिरिक्त कोई और भी सिविल अपकार जिनमें संविदा का भंग और न्यास भंग की सुविधा मुख्य है। कहने का तात्पर्य है कि यह परिचय है और एग्जाम पॉइंट से जो है हमें किस तरीके से ध्यान देना है, हमें किस तरीके से लिखना है। अगर परिचय लिखना है तो परिचय इंट्रोडक्शन में यूबी जस इबी रेडियम जहाँ अधिकार है वह उपचार है, और इस केस का जो इम्पोर्टेंट केस लॉ है कि मतलब केस लॉ इम्पोर्टेंट है, एसबी बनाम वाइट का केस है। एसबी बनाम वाइट का मामला ये था कि एक कैंडिडेट को वोट देना चाहती थी और वोट देने पर जो मतदान अधिकारी था वो जो कैंडिडेट था वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका था कि चुनाव जीत गया था, लेकिन मतदान अधिकारी जो पीठासीन अधिकारी होता है वो वोट डालने से उनको वंचित कर दिया। अब वोट डालने से उनको वंचित कर तो उनका क्या हुआ? विधिक क्षत हुआ ना। वोट डालने से उनको वंचित कर दिया, इसलिए विधिक क्षत। जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। इस आधार पर एसबी बनाम वाइट का केस जो है डिसाइड हुआ कि उसका वोट उसका जो है विधिक क्षत हुआ है और विधिक क्षत का उपचार उसे कंपनसेशन के तौर पर दिया जा सकता है। इसी तरीके से जो कि टार्ट का एक नियम है, टार्ट जो है एकमात्र जो है आपको उपचार प्रक्रियात्मक तौर पर देती है। टार्ट का वास्तविक जो दृष्टिकोण है कि टार्ट का समझो जो सीधे ना हो, टार्ट का जो दृष्टिकोण है वो सीधे ना, तोड़ मोड़ के जो है कोई ऐसे कार होते हैं जो तोड़ मोड़ के होते हैं इस तरीके से। और टॉट में मतलब कि कोई कार किया जाता है उस कार के बदले जो है अभी कोई बगैर सावधानी या उपेक्षा या उत्लापनपूर्ण तरीके से कोई कार्य करता है तो उसका उपचार क्या है, इस तरीके से टॉट में बताया गया है कि मतलब किस किस तरीके से उपचार हमें प्राप्त किया जाएगा। अब मान लीजिए कि मेरे अधिकारों को अगर जो है आप रिस्ट्रेन नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते हैं, मेरा अधिकार विस्तार है, इसी को टॉट जो है मनाया गया है। ये टॉट बेसिकली तौर पर इंग्लैंड में लागू है। इंडिया में ये टॉट जो है सिविल मामले जैसा ट्रीट होता है। लिमिटेशन टू एम में जो है इसे डिफाइन किया गया है, टॉट यहाँ से लागू होता है। और टॉट जो है ये इसका जो उद्देश्य है, जो इसका नेचर है, अगर कोई इसकी टॉटे लेबलिटी हो जाता है तो उसे कंपनसेशन दें। ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ कहना ओबी जस इबी रेमेडियम जो है, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। ये अगर मेरा अधिकार ही नहीं रहेगा तो मेरा उपचार किस बात की? मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, अगर विधि द्वारा कोई चीज़ को विधि द्वारा उस चीज़ को नियम रेगुलेशन के थ्रू कोई प्रतिषेध किया गया है कि आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं, यदि मैं इसे कार्य करूँगा तो उसका खुद जो है राज द्वारा बनाए गए कानून का मैं उल्लंघन किया हूँ।